नमस्कार। खाने की बेहतरीन महक और लाजवाब स्वाद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हींग का दीवाना कौन नहीं होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जरा सा हींग आपके जीवन की कई समस्याओं को दूर भी कर सकता है। जी हाँ, हींग के ऐसे ही कई टोटके हैं जो अलग अलग कार्यों में सफलता या परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए अपनाए जाते हैं। अगर आप ये बात नहीं जानते तो अब जान लीजिए हींग के चार टोटके। हींग के कई फायदे हैं। ये हमारे स्वास्थ्य में लाभदायक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हींग कब्ज, बदहजमी और पेट के कई रोगों में फायदेमंद होती है। इसके सैकड़ों घरेलू उपचार भी हैं। हींग का उपयोग भारत में कई सौ सालों से मसालों के रूप में किया जाता है। आपको ये भी बता दें कि हींग फेरुला फोइटेडा नाम के पौधे का रस है। इस पौधे के रस को सुखाकर हींग बनाई जाती है। इसके पौधे 2 से 4 फीट तक ऊंचे होते हैं। ये पौधे विशेष रूप से ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बलूचिस्तान, काबुल और खुरासान के पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं। वहाँ से हींग पंजाब और मुंबई आती है। महर्षि चरक के अनुसार हींग दमा के रोगियों के लिए रामबाण औषधि है। ये कफ का नाश करने वाली है, गैस की समस्या से राहत देती है, लकवा के रोगियों के लिए फायदेमंद और आँखों के लिए भी बेहद लाभदायक होती है। तो आइए जानते हैं हींग के चार टोटके। हींग का पहला टोटका, कार्य की सफलता हेतु। किसी महत्वपूर्ण कार्य से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ये उपाय आजमाएंगे तो कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। चुटकी भर हींग अपने ऊपर से वार कर उत्तर दिशा में फेंक दीजिए। हींग का दूसरा टोटका, तांत्रिक दुष्प्रभाव से बचने के लिए। हींग के पानी से कुल्ला करना चाहिए। खासकर ये उपाय आप होली या पूर्णिमा के दिन करेंगे तो बहुत ही असरकारक होगा। अब जानिए हींग का तीसरा टोटका, हींग के पानी से स्नान करें या एक डली हींग को पानी में डालकर उसे गला लें, फिर उस पानी से स्नान करने से कर्ज मुक्ति के रास्ते खुल जाएंगे। इसके अलावा आप लाल दाल का दान भी कर सकते हैं। अब जानिए हींग का चौथा टोटका, घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। 5 ग्राम हींग, 5 ग्राम कपूर और 5 ग्राम काली मिर्च को मिलाकर पाउडर बना ले और फिर उस चूर्ण की राई के दाने के बराबर गोलियां बना ले। अब इन गोलियों को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। एक हिस्से को सुबह और दूसरे हिस्से को शाम के समय घर में जलाएं। इस तरह लगातार 3 दिनों तक करने से घर को लगी बुरी नजर उतर जाती है और घर में किसी तरह की कोई बुरी शक्ति होती है तो वो भी चली जाती है। तो हमें उम्मीद है कि हींग के ये कारगर टोटके आपके भी उतने ही काम आएंगे। इसी तरह की अन्य जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए वेब दुनिया के साथ।